हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं बाय क्रिएशन 2.0 चैनल से मौसा जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। भैया, आपको हिम्मत कैसे हुआ हमारे गर्लफ्रेंड को छेड़ने का? आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आया छोटका भाई के माल को छेड़ते हुए? हम कहां तोर माल के छेड़े हैं रे? नहीं छेड़े हैं। आज वो कोचिंग जा रही थी तो आप उसको रोक के कहे ना कि खाली छोटके के दोगी, बड़को भाई के दो। देख भाई, जब तक वो कुमारी है न हमारी है न तुम्हारी है, बात नहीं। वो माल सरकारी है। वो सरकारी ना है, वो हमर माल है, वो फुल्ली प्राइवेट वाला। ऐसे भी हम छेड़ थोड़ी ना रहे थे, हम तो टेस्ट कर रहे थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुरा प्रति कितना वफादार है। झूठ बोलिएगा, झूठ बोलिएगा। हम नहीं जानते कि आप कितना बड़का छिनार है। आप पक्का उसको छेड़े होंगे? बेचारी हमको रो रो के बता रही थी। अरे साला, हम छिनार है रे? तू साला एगो छेत्री छौड़ी के लेल हमरा छिनार कर रहा है रे? अरे तू बड़ भाई की छिनार कर रहा है? अरे साला, कच्चे टूटा कुत्ता बिलार जैसा झगड़ा कर रहा है। देखिए तो बाबूजी, ये हमारा माल का छेड़े। साला साला, ये बात बाबूजी को बताएगा? साला दोनों भाई के बाबूजी घर से बाहर निकाल देंगे। अब बाबूजी लड़ थोड़ी ना रहे थे, हम दोनों भाई प्रैक्टिस कर रहे थे लड़ने का। अगर कहीं लड़ाई उड़ाई होगा तो ना हम दोनों भाई लड़ सके। जियो बेटा, रोज प्रैक्टिस करो ऐसे ही। जी बाबूजी, मार करने की प्रैक्टिस करो। हेलो सारू जी। प्रणाम सारू जी। अरे प्रणाम प्रणाम। और बताइए शाली के हाल चाल? अब ठीक है, आज आ रहे हैं मिलने। हाँ हाँ, आइए आइए। अरे भाई, स्वागत है आपका। गाड़ी लगाने के लिए जगह है ना? गरीब समझ लिए है कि गाड़ी गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं रहेगा। अरे बहुत जगह है, आप आइए तो सही। अच्छा ठीक है, तो दरवाजा तनका साफ सुथरा करवा के रखिएगा, कहे कि गाड़ी बहुत बड़ा है। आइए आइए, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं 10 मिनट में। हाँ ठीक है बाबू। मौसा जी, तुम लोग क्या रहे हैं 10 मिनट में? तनका नाश्ता की व्यवस्था करवा दो था? जी बाबू जी। और मौसा, तुम्हारा कोई नया गाड़ी खरीदा है क्या बड़का? काहे नई गाड़ी खरीदेंगे मौसा? अरे मौसा बहुत बड़का बिल्डर है, आपके जमीन फटीचर थोड़ी ना है। आपके सामने बोला है 10 मिनट में आ जाएगा, तनका दूरा साफ कर देते हैं। बाबू जी, नाश्ता के लिए पैसा दीजिए तब ना लेके आएंगे। अरे इतना ज्यादा जगह है, यहाँ पे तो 3 गो गाड़ी लग जाएगा। कहाँ जगह है दूरा पर? अरे मौसा, हमारे बहुत बड़का बिल्डर हैं, तो बहुत बड़का गाड़ी से ना आएगा, लग जाएगा गाड़ी उनका, बताइए था। ये किसकी गाड़ी? लगता है आ गए मौसा। नहीं चले गए। अरे नहीं, तो बहुत छोट गाड़ी है, ये गाड़ी से थोड़ी ना आएंगे मौसा। हाँ अब लगता है आ गए। अरे नहीं, और छोट गाड़ी है, ये गाड़ी तो और नहीं आएंगे मौसा। अरे मौसा, हमारे बहुत बड़का बिल्डर है, बहुत बड़का गाड़ी से ना आएंगे। अरे रे चला रे, हटा गाड़ी, यहाँ पर हमारे मौसा की गाड़ी लगने वाला है, हटा जल्दी। हम ही ना तो मौसा है रे। अच्छा सॉरी, प्रणाम। प्रणाम सारू जी। प्रणाम प्रणाम। यही खिलौना जैसा गाड़ी को लेके औकात दिखा रहे थे? हाँ तो आपके पास यह खिलौना है, ये बोल रहे हैं। मौसा अंदर चलिए ना। हाँ रुक, गाड़ी लगवा देते हैं। ए सारू जी, आपके कान में ठेकी पड़ल था, आपको पहले ना फोन करके बोल दिए हैं कि गाड़ी लेके हम अपन आ रहे हैं, दूरा बुरा एकदम साफ करके रखिएगा। छड़ रखे हुए हैं, वो गाड़ी लगाएंगे, छड़ भुका जाएगा, टायर पंक्चर हो जाएगा। हेलो एक्सक्यूज मी, मुंह में फिल्टर लगा के आए क्या? बकर 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 करते जा रहे हैं। अरे एकदम पागल इंसान है क्या जी? आंख में रतौंधी बैल है, नहीं दिखाई दे रहा है? इतना सारा जगह है, यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर पार्क हो जाएगा, आपका एक छोटा सा गाड़ी पार्क नहीं होगा कि? इतना जगह में गाड़ी लगेगा? आप हमको सिखाइएगा, आपके पास कभी गाड़ी था से आपको पता है? अरे ड्राइवर, अरे ड्राइवर, इतना जगह में गाड़ी लग जाएगा बताओ, इतना जगह में गाड़ी लग जाएगा? ये हमारे सरुआ बा हमको सिखा रहा है, बताओ क्या? आराम से लग जाएगा, बहुत इसमें फॉर्चूनर खड़ी हो जाए। सारू जी, ये क्या है? धूप में रखिएगा कि घरों में ले चलिएगा? चलिए ना मौसा, अंदर चलिए ना। हाँ चल।
ड्राइवर बोले है टायर पंचर करने के लिए मार्केट से कील लाना पड़ेगा कि मेरा वाला छेनी हथौड़ी से काम चल जाएगा। मार्केटे वाला ठीक रहेगा। ठीक है लगाओ। किरत हेरा पढ़ाई लिखाई कैसन चल रहा है? देखिए आप मौसा है तो मौसा लेकर रहिए, बात बनने का कोशिश नहीं कीजिए। सॉरी छोटका, नाश्ता लेकर आओ, मौसा जी तो आ गए हैं। अरे खुश रह ला नाश्ता ला। तब सारू जी काम धंधा सब कैसा चल रहा है? एकदम मस्त धका धक चल रहा है सारू जी। अरे खो ले ले, बाप तक कहियो खिवाई ना हो तब ले ले, तू खो ले दाल मुट ले 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 ले। हाँ लीजिए सारू जी, आप भी खा लीजिए। अरे नहीं ना, हम नहीं खाते। खा लीजिए। अरे हम ये सब नहीं खाते हैं। अरे खाइए ना। अरे नहीं खाते हैं भाई। ऐसे तो नहीं खाते हो, आपके पास है ही नहीं। अरे कौन खिला क्या रहे? तो ये तो हमको लगता है कि आप ये सब मंगवावे करते होइएगा। हमारा घर में तो नौकर क्या कर खाता है ये सब चीज। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? पंखा उनका चलाइए ना, बहुत गर्मी लग रहा है। ऊपर पड़ी नाच रही है कि सीलिंग में लटक के पंखे तो चल रहा है। का है ना कि हमको 24 घंटा में एसी में रहने का आदत है, तो इसका हवा पता नहीं चलता। हम बूझ रहे हैं सब, आपको एसी में रहता। नौकर भी एसी में रहता। अरे हम पूरा घर के लैट्रिन में भी एसी लगवाए हुए हैं, कोई नहीं करता। अरे ये सब बात छोड़िए सीडीसी का, ये बताइए साली जी कैसी हैं? अरे साली एकदम मस्त है, एसी में कोई कोना में पड़ल होगी। हो राम रूप, अपने बेटा को यही संस्कार दिया है, कहाँ गया आपका बड़का बेटा? मारा दूल्हा पर साले लगभग लहू फेंके, नाम के पीछे जी लगाओ। हो राम रूप जी। कहाँ हो कालू चंद? अपने बेटा को यही संस्कार दिया है, कहाँ गया आपका बड़का बेटा? क्या बात है, इतना गुस्सा में काया है? आपका बड़का बेटा हमारी बेटी को छेड़ा है, वो जब वो कोचिंग जा रही थी। ऐसा मेरा बेटा नहीं कर सकता है, वो नहीं छेड़ा होगा आपकी बेटी को। नहीं पापा, भैया इनकर बेटी को छेड़ा है। तुमको कैसे पता है रे? वो हमारा साथ पढ़ती है ना, तो हमको बताई थी। कहाँ गया आपका बड़का बेटा? छोड़ेंगे नहीं उसको। गलती हो गया होगा फूलचंद भाई, अब जाइए ना, हम समझा देंगे बेटा को। समझा दीजिएगा नहीं तो काट देंगे। हेलो एक्सक्यूज मी फूलचंद भाई, नींबू शिकंजी पीजिएगा कि? बहुत गर्मी है, पिला देंगे तो मजा आ जाएगा। अरे तो मेरा धोती में दो गो नींबू है, निचोड़ के पी लीजिए ना। हमको नहीं निचोड़ना है आपका नींबू, आप ही निचोड़ के पीजिए शिकंजा शिकंजी, और अपना बेटा को समझा दीजिएगा नहीं तो कांड हो जाएगा। रे चंदन निकाल बाहर, निकाल बाहर। का रे साला, तुम्हारा जवानी बहुत तूफान मार रहा है, कहे छेड़ा फूलचंद के बेटी को रे? हैं कुत्ता जैसा खड़ा है रे छोटका, बांस लेके आओ, जब तक मारेंगे नहीं तब तक ही सुधरेगा नहीं, बांस लेके आओ। सारू जी शांत रहिए, अरे जवान हो गया है, कोठी मारिएगा पिटिएगा। जवान हो गया है इसीलिए इसी टाइम में सही कर देना चाहिए। कैसे? अरे ब्याह करके सारे। हाँ बस आप सही बोल रहे हैं, जो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ लड़का है उसके लिए एक और जिम्मेदारी दे दो। हम ब्याह के लिए बहुत सही खोजना की है, हमारे पास बहुत लड़की है। मौसा आप तो बिल्डर ना है? हाँ हम बिल्डर है, लेकिन हम घर बनवाते नहीं है, घर बसवाते हैं। मतलब शादी के दलाल है। आइए लड़की देखिए। अरे यार ले बिचौलिया भी बन गए। हाँ हाँ दिखाइए। अरे छोरा बड़ा खखुआ लते अंदर अंदर एकदम लावा फुटाई चौकी। देख इधर आ देखिए, ये लड़की पसंद आओ? ना 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 ए इहो ना ए हाँ ये एकदम मस्त है, लेकिन तोरा से ना करते का सरकारी नौकरी वाला लड़का छे, तोरा ऐसा नहीं ठल्ला ना। हाँ दूसरा देख। सारू जी इसका पसंद हमको समझ में आ गया है, इसको कैसन लड़की चाहिए? अरे थोड़ा इसने लड़की ना चाहिए जेका वर्का वर्का को हो ही ना, दबाने में तोरा मजा आए ना। एकदम सही कर रहे मौसा, अच्छा लक्ष्मी नार कहीं के रे।
सारू जी, इसको जैसा लड़की पसंद है ना वैसा हमारे पास है, लेकिन अभी हमारे पास फोटो उटो ना है। एक काम कीजिए आप लोग ना डायरेक्ट कल लड़की वाला के घर पे आइए, ठीक है? हम वहाँ पे डायरेक्ट आपको लड़की दिखा देंगे। बिचौलिया है लड़की, बहुत खूबसूरत है फिगर से भी या शक्ल से भी। लड़की के साथ साथ ना आपको दुगो गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट मिलेगा दुगो? खुश रहे खुश रहे खुश रहे। हाँ सारू जी, दुगो गिफ्ट। ठीक है तो आते हैं कल। आइए, वो गिफ्ट क्या है वो तो बताओ। मेरा ईमेल पर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप जो है ना अनइंस्टॉल हो गया है। अच्छा ठीक है, भेज देंगे। हाँ हेलो, हाँ बस 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 हम हाँ आ ही रहे, बस हम सारू जी के आए। हाँ डील फाइनल करना है। हाँ हो गया है। हाँ ठीक 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 है। हाँ अभी आपके आप ही के आ रहे हैं। ठीक ठीक मौसा, इससे वाला मोबाइल है कि? हाँ हाँ तो ठीक है सारू जी, कल आइए हम वहीं पे मिलते हैं। ईमेल कर देंगे आपको एड्रेस। ठीक है ठीक है, तो चलते हैं। हाँ हाँ निकालिए। ओह बहुत गर्मी है। प्रणाम मौसा। हाँ खुश रहो खुश रहो। पैसा दीजिए ना। बाबू चंदन एकदम संस्कार नहीं है रे, निचर आदमी से पैसा मांगता है, शर्म नहीं आता है? नहीं जान रहा है कि मौसा तुम्हारा आज तक एक रुपया नहीं दिया है, आज पैसा कहाँ से दे देगा? नहीं देखा, दलाल है साला दलाल। आप नहीं देते हैं इसीलिए मौसा से मांग लिए। कोई बात नहीं, कल चलो तुम्हारा भिरवा देते हैं टाका। साला शर्मा तो ऐसे रहा, लग रहा है जैसे कि लड़की है। बस करो भैया, बाल झड़ जाएंगे। 3 घंटा हो गया अभी तक लड़की आई नहीं है, अरे कब आएगी? शांति रखिए सारू जी, शांति रखिए, आ रही होगी। लड़की बहुत सुंदर है ना, सवरने में टाइम लगता है सारू जी। अरे आप क्या समझिएगा सुंदरता का महत्व, आपके पूरे सातों खानदान में कोई सुंदर है जो आप समझिएगा? लीजिए आ गई लड़की। ये तो लड़की के माँ है, लड़की कहाँ है? यही है लड़की। ये लड़की है? हाँ। मौसा हम नहीं करेंगे ये लड़की से शादी। हाँ और नहीं तो क्या, ये हमारे बेटा के लायक नहीं है। हमारे बेटा तो बच्चा है, ये तो मेरे लायक है। मतलब थोड़ा भी मेरे बेटा के लायक नहीं है ये लड़की। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये हुए लड़का के पिताजी। प्रणाम। और ये है लड़का। हाय हैंडसम। अरु जी रा झूठ नहीं कहेंगे, लड़की ठीक है लेकिन हमर बेटा के लायक नहीं है। सारू जी, अरे लड़की के खानदान बहुत मालदार है, बहुत बहुत मालदार है। परस दुगो गिफ्ट मिलेगा ब्याह करने के बाद। दुगो गिफ्ट मिलेगा? हाँ कहे थे नहीं आपको? दो गिफ्ट क्या है, मुझे सस्पिशियस लग रहा है। बाबू कर लो शादी, लड़की ठीक है, साथ में दो गो महंगा महंगा गिफ्ट भी मिलेगा। कर लो कर लो, जैसा आपका मर्जी। सारू जी हाँ, बउआ रेडी है शादी करने के लिए, लेकिन उसका डिमांड है दो गिफ्ट। गिफ्ट क्या मिलेगा? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वो दो गिफ्ट इसके दो बच्चे। जो भी मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा, जो आप सोचे भी नहीं होंगे। तो ब्याह का तैयारी कीजिए ना। तो ब्याह का तैयारी क्या करना है, ये रहा सिंदूर, लीजिए मांग भर दीजिए, हो गया ब्याह। आप नहीं बउआ से भरवाइए। अच्छा बाबू जल्दी मांग भर दो। अरे ये कौन सी शादी होती है, खाली सिंदूर लगाने से शादी थोड़ी ना हो जाती है, पागल हो? आराम से आराम से आराम से। अरे हम फोटो भी खींच देते हैं प्रूफ के लिए, रहेगा ना? हाँ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ एगो मेरा भी खींच। हाँ चलिए चलो बुआ, चलो अथी करो सिंदूर डालो, 5 बेर 5 बेर। हाँ हाँ चार, कितना हुआ? हाँ चलिए हो गया भैया। गोर लगवा लीजिए, गोर लगवा लीजिए। अरे
खुश रहो खुश रहो सब ताजा सुहागिन रहो साडू जी बोले हैं गिफ्ट आ जाता तो थोड़ा बढ़िया रहता अभी अभी मंगवा देते साडू जी ए बउआ रे दुन्नू इधर आता ये है दो गिफ्ट मुझे लगा ही था आ इधर मुझे लगा ही था यही है दोनों गिफ्ट गिफ्ट मंगवा दीजिए ना ये तो सब बच्चा पार्टी है ना यही है ना दोनों गिफ्ट जिसके बारे में आपको बोल रहे चौकड़ी से उस लड़की के दो बच्चे हैं हाँ यादी अब मानव आदि मानव साला दोनों गिफ्ट है मौसा आप हमको दोनों बाल बच्चा वाला औरत से ब्याह करवा दिए तो क्या हो गया बउआ एक्सपीरियंस होल्डर मिली है कोई दिक्कत उक्कत नहीं होगा और साथ में बिना मेहनत के दुगो बाल बच्चा भी हो गया है जिंदगी अच्छे से गुजारो अच्छे से गुजारो आपको छोड़ेंगे नहीं ऐसे भी छोड़ना नहीं है बउआ ए मैडम ब्याह कराने का 30,000 रुपया हमको दे दीजिएगा अब जो हो गया सो हो गया जाओ जिंदगी अच्छे से बिताओ जाओ हम अपने लिए अब कुंवारी देख लेंगे उसके लिए वो कह बाप कैसे कह रहे हैं हम अपने लिए कुंवारी देख लेंगे अरे दद्दू तुमको हमेशा चढ़ी रहती है ताऊ तुमको हमेशा चढ़ी रहती है भाई जवानी अच्छा मतलब देखो यार अगर ये जान जाता लड़का ठीक है पहले ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती अगर अपनी मर्जी से दोनों लड़का और ये औरत शादी कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की बात होती है तब कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन मौसा जी ने अपने भांजे को बेच दिया 30,000 रुपये में कैन यू जस्ट इमेजिन दैट मतलब वाह क्या बात है ये है वो बिलेनियर वो बहुत बड़ा बिल्डर बिचौलिया मौसा ठीक है जिसने अपने ही भांजे को 30,000 रुपये में बेच दिया बहुत सही सेब वाला फोन ले रखे हैं ना सेब वाला उस सेब वाला फोन यहीं से आया है किसी के बेचारे के साथ ऐसा ना हो यार सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना मैं बोलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बताया